साधु संगत कुलानू तारे कर ले तू मेरी आमना संगत कुलानू तारे कर ले तू मेरे आमना संगत कुलानू तारे कर ले तू मेरे आमना संगत कुलानू तारे कर ले तू मेरे आमना 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 कर ले तू मेरे संगत कुलानू तारे कर ले तू मेरे आमना 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 मिलन किए है तेरी बरिया गोविंद 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 मिलन किए है तेरी बरिया हुए है तेरी बरिया यह तेरी बरिया हुए है तेरी बरिया यह तेरी बरिया यह तेरी बरिया यह तेरी बरिया यह तेरी बरिया गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया यह तेरी बरिया यह तेरी बरिया यह तेरी बरिया तेरी बरिया यह 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 तेरी बरिया गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया गोविंद मिलन किए है तेरी बरिया ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे पशु परेत मुगत कौ तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे सो बहुत बड़े भाग ने संगतां दी जिन्हां नूं घूर कलयुग दे विच सतगुरां दे दरबार विच
हाजरी भरदा बहुत ही सोहना समा मिलिया है। करमा दे नाल ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ये शरीर मिलिया है, इस दे नाल तू हुण कर्म कमा। गुरु जी बचन करदे ने ए शरीरा मेरिया इस जग में आके क्या तुद कर्म कमाया। वी की कर्म कमाया, तेनु शरीर मिल गया सोना, हुण तू इस टाइम की कर्म कमा रहा। वी कर्म जीव दे उदों ही बनते ने जदों भावना नाल श्रद्धा नाल सतसंग दे विच आण के बैठदा, संगत करदा, रसना नूं पवित्र करदा, यानी वाहेगुरु भी जपदा, वाहेगुरु भी जपदा। बाबा जी बचन करदे ने कि जिहड़ा शरीर है इस शरीर नाल तूं हुण कर्म बना सकदा। जानवर तां बहुत ने, बहुत ने जानवर सब तुरे फिरदे ने, पर ओ लेकिन कर्म भोग ने, ओ कर्म भोग ने, ओ आउंदे ने अपने कर्म भोग के चले जांदे ने, चले जांदे ने। पर ए एक ऐसा शरीर निरंकार ने बनाया है, साजिया है, जेड़ा कर्म भी भोगदा है ते कर्म भी बना लेंदा है, कर्म भी बनाउंदा है। हुण समा है अपने कोल कर्म बनाइए, आपां लाहा प्राप्त करिए। इस करके सतगुरु जी पंजवें पातशाह बचन करदे ने कि भई प्राप्त मानुख देहुरिया। वेखो गुरु जी ने इत्थे भी मनुख नूं ही बचन कीता, किसी जानवर नूं नहीं बचन कीता, किसी पंछी नूं इत्थे मनुख नूं ही उपदेश दिता कि भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। भी इस शरीर दे नाल ही तू उस अकाल पुरख प्रभु गुरु नानक नूं तू पा सकदा है, तू पा सकदा है। वेखो सतगुरु अगे भी किन्ना सोहना बचन करदे ने कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जिन्ना भी होर तू बकारा दे विच कम्मां कारां विच आपदा समा बर्बाद करदा है, भज्या नठिया माया दे पिछे तुरिया फिरदा है, ये अखीर नूं तेरे काम किसे ने भी नहीं आउणा, तेनू जमा दी मार तो किसे ने भी नहीं बचाउणा। किसने बचाउणा है? गुरु जी कहते केवल नाम। बस इत्थे बचन कर दिता गुरु जी कि सिर्फ तेनू एक केवल नाम ने ही आ जप तप आ जिहड़ा आण के दरबार विच बैठदा आपदे सवास सफले करदा, घड़ियां पल सफले करदा, इसने ही तेनू जमा दी मार तो बचाउणा है। इसने ही तेनू धुर दरगाह सचखंड दा रास्ता दिखाउणा, रास्ता दिखाउणा। वेखो गुरु नानक पातशाह संगतां नूं तारदे तारदे गुरु जी गुरु नानक पातशाह नाल मरदाना भाई बाला जी सतगुरु दुनिया नूं तारदे तारदे एक जंगल दे विच चले गए। भयानक जंगल है, जंगल च चले गए गुरु जी। गुरु जी उत्थे जिन्हों बैठे मरदाना बेनती करी कि हजूर ये जंगल बियाबान है, आपां इत्थे आए हाँ, इत्थे कौन आवेगा, इत्थे तां जानवर भी होणगे, इत्थे सिर्फ जानवर होणगे, इत्थे किसने आउणा है।
गुरु नानक पातशाह बचन कर लगे के मरदानिया सानू भी अकाल पुरख का हुक्म है, असी अकाल पुरख के हुक्म च ही आए हाँ। जो अकाल पुरख हुक्म करता है असी उस तरह ही उत्थे पहुँचते हाँ, उत्थे पहुँचते हाँ। मरदाना नाल रहिंदा, जन्मां जन्मां की कमाई है, उसकी भी बंदगी है। देखो कड़ा थोड़ी घनी गल है, बंदगी है उसकी, जन्मां जन्मां की। मरदाना समझ गया, मरदाना समझ गया भी सच्चे पातशाह ने गुरु जी ने किसी नूं तारना होवेगा, कोई सोची कोई समत जरूर बख्शनी होवेगी। गुरु जी ने बचन किया कि मरदानिया कीर्तन सुना, कीर्तन सुना। उस टाइम फिर मरदाने ने जदों कीर्तन किया, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार दे ना। कीर्तन होया, कीर्तन होया। उस टाइम बहुत देवी देवते आए, उस टाइम उत्थे देखो जंगल च बहुत देवी देवते आए, फुल बरसाए, फुलां दी बरखा हुई, कई जानवर भी आए, जानवर भी आए। देखो इतिहास दे विच आउंदा है गुरु नानक पातशाह दे कई जानवर भी आए उत्थे बहुत, वो लाहा लेके गए। देखो ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावत उधर है सुनते उधर है, बिन से पाप कनेरे, पशु परेत मुगत को तारे। देखो गुरु नानक पातशाह जी जिसते भी दृष्टि पई ना, जिसते भी दृष्टि पई सतगुरा ने उसनू ही तार दिता, चाहे पशु सी, चाहे वह पंछी सी, चाहे पत्थर है, चाहे कोई रुख है, कोई दरख्त है, चाहे कोई भी आवे, गुरु जी की जिसते भी दृष्टि पई उसनू ही तार दिता, तार दिता। वेखो राक्षस आए गुरु जी दे कोले, गुरु जी ने दृष्टि पाई, उन्होंने भी तार दिता, बल के वेखो उन्होंने भी तार दिता। गुरु साहब ने वेखो पंजा पत्थर नू भी तार दिता, पत्थर च भी पंजा ला दिता। वेखो वो भी अज पूजन योग है, पूजन योग है। बहुत संगत दर्शन करन जांदियां ने। रीठा सी वेखो, वो भी कौड़ा सी बहुत रीठा, ते गुरु साहब बैठे उत्थे, सतगुर कीर्तन होया, मरदाने नू भी बचन किया। देखो ते इतना ज्यादा रस भर गया, उदों तो लैके हुण तिकर भी जाके संगतां दर्शन भी कर दियां, दर्शन भी कर दियां और रीठा भी छक दियां। देखो रीठे वो मिठे कर दिते, कैसा है अपना बाबा नानक, झाती मारो। उस टाइम तो रीठे मिठे, हुण भी मिठे ने। जानी विचार है भी जिसते भी सतगुरां की दृष्टि पैंदी सी सतगुरां ने उसनू ही तार दिता। पशु पंछी प्रेत पत्थर तारे गुरु नानक ने, बंदा क्यों ना तरे जेड़ा गुरा शरणी आमदा, गुरा शरणी आमदा। समा पिया, बहुत जानवर आए, लाहा लिया, समा होंदा गया। गुरु जी ने इशारा किया, कीर्तन की समाप्ति हुई, समाप्ति हुई। मरदाना बैठा वेख रहा, सामने एक बघियाड़ तुरिया फिरदा, बघियाड़ गेड़े मारी जा रहा सी। मरदाने ने बेनती करी के हजूर ये बघियाड़, होर बहुत जानवर आए सब चले गए, पर ये एक बघियाड़ है, बघियाड़ वेखण नूं बड़ा भुखा लगता है, कृपा करो समत बख्शो भी ये गेड़े क्यों मारी जाता है। गुरु जी ने बचन किया कि मरदानिया उठ के वेख, तू अगे होके वेख। मरदाने ने जो दो कदम पट्टे ना, अगे होके वेखया, की वेखिया, उसके कोले एक मूरे लोथ पई सी, लाश, यानी किसी
मनुखी शरीर उसके मूहरे पिया सी, उसनू सौंघदा सी, सौंघदा सी पैरां नू हत्थां नू शरीर नू सौंघ के पासे हट जांदा। मरदाने ने जदों वेख्या बेनती करी के हजूर उसके कोले एक लोथ पई है, लाश पई है, मुरदा मुरदा पिया, पर बघियाड़ सौंघदा है ते पासे हट जांदा, पासे हट जांदा। कृपा करो गुरु जी ने फिर वचन किया कि मरदानिया असी तेनू वचन किया कि तू सानू कीर्तन सुना, कीर्तन सुना। कीर्तन दे विच बहुत बड़ी ताकत है, कीर्तन च बहुत बड़ी पावर है। गुरु जी ने वचन किया भी जेडे शरदा भावना दे नाल उदो मोर लाई है गुरु पातशाह ने, भी जेडे शरदा भावना दे नाल आण के कीर्तन सरवण करनगे, एक मन हो के गुरबाणी का कीर्तन सरवण करनगे, उन्हां नू अपने पिछले जन्म का ज्ञान हो जा करेगा, पिछले जन्म का उन्हां नू पता लग जा करेगा, ज्ञान हो जा करेगा। गुरु जी ने वचन कर दिता कि कल युग मह कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। इत्थे ध्यान का वचन किया गुरु जी ने, ये नहीं भी घरों चल के आ गई हाँ, इत्थे बैठे हाँ, शरीर है मन किते होर भटकता फिरदा, वो लंघ गया वो आ गया, भी लंगर चलिए वो फलाना है वो किवें बैठा, नहीं आए नहीं वचन किया गुरु जी ने, सिर्फ एक ध्यान का वचन किया भी घरों चल के आए हाँ, भी ध्यान नाल सुरती नाल सरदा दे नाल भी कीर्तन रसना नू भी पवित्र करो, पवित्र करो, उसनू फिर अपने पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है, पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये गुरु जी ने वचन किया। मरदाने ने फिर बेनती करी कि हजूर वो बघियाड़ है भी कीर्तन तो सुनिया है, बैठा सी कीर्तन सुनिया है, पर उस लोथ नू क्यों नहीं खांदा, सौंघ के पासे क्यों हटदा। गुरु जी ने फिर वचन किया कि मरदानिया ये बघियाड़ ने कीर्तन सुनिया, इसनू हुण पता लग गया है भी मैं पिछे जन्म दे विच कोई ऐसा पाप किया, पाप किया, पाप कोई मूहरे आया करके मैनू बघियाड़ की जून मिली, बघियाड़ की जून मिल गई। ये जिहड़ी लोथ इसके मूहरे पई आ ना, ये भी किसी पापी पुरश की है, किसी पापी पुरश की है। मरदाना बेनती कर लग्या हजूर वह किवें, गुरु जी वचन कर लगी वह वेख बघियाड़ उसके पैरों नूं सौंघदा, पैरों नूं सौंघदा, मन बहुत है उसका भी मैं खावां इसनूं, पर पैरों नूं सौंघ के पासे हटदा वेख, पैरों नूं सौंघदा भी इसने पैरों दे नाल चल के कोई चंगी धर्म की किरत नहीं करी, किसी चंगे पासे नहीं गया इस पैरों दे नाल, शरीर नूं सौंघदा, शरीर नशे ही है, नशे करदा, पासे हट जांदा सौंघ के, हत्थां नूं हत्थ नूं सौंघदा भी मैं इत्थों खावां, पर इसने हत्थां दे नाल भी कोई कमाई नहीं करी, कोई चंगी बंदगी नहीं कीती, सिमरन कोई सेवा नहीं कीती। सिर नूं सौंघदा भी चलो मैं सिर ही खावां, सिर नूं सौंघदा बघियाड़। गुरु जी वचन करते ने कि इसका सिर भी किसी गुरु पीर अगे झुकया नहीं, गुरु पीर अगे झुकया नहीं इसका सिर, इस करके बघियाड़ हुण डरदा भी जे मैं इस लोथ नूं इस लाश नूं मैं खा गया तो मैनू फिर दोबारा चौरासी के गेड़ विच किते मैनू फिर चौरासी ना भोगनी पै जावे, किते फिर ऐसा पाप हो गया मैनू फिर बघियाड़ की जून ना किते मिल जावे, किते फिर बघियाड़ की जून विच ना आना पै जावे। बघियाड़ हुण डरदा वेखो, गुरु जी ने उस टाइम ऐसी आपां नूं इह समत बख्शी, ऐसे गुरु जी ने वचन किए, इस करके हुण आपां नूं शरीर मिलिया है। गुरु जी ने हाथ पैर बहुत सोहने सेवा करन वास्ते, सिमरन करन वास्ते ये दिते ने आपां नूं,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸੋ ਦਰਗਾਹੀ ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦਰਗਾਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ, 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 ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ, 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 ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿੰਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਏ।